तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को रेलवे का पेपर था, तो पहले शिफ्ट से, दूसरे शिफ्ट से और तीसरे शिफ्ट से, तीनों शिफ्ट से मिला के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सभी के सभी डिस्कस करेंगे। सभी के सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये है मास्टर वीडियो, सभी वीडियोज का बाप। यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बता दो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा प्यार लीजिए, यहाँ पर आपको डेली नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ नए जो आपके पेपर आने वाले उन सभी के लिए हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करें जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक फैकल्टी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा अनअकैडमी अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो तुरंत कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिल रहे हैं। टॉप मैंने 100 आपको 350 क्वेश्चन अटेंड कराए हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आप सबके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है वो कोर्स, तो वो कोर्स आप लोग जरूर देखिए। और भी देखिए, आप यहां पे देख सकते हो क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले शिफ्ट से, दूसरे शिफ्ट से और तीसरे शिफ्ट से आए हुए सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक पूरे के पूरे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, महिला क्रिकेट टीम के बारे में पूछा गया कि महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। तो सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे, मिताली राज, बिल्कुल सही आंसर है। काफी अच्छी प्लेयर है, इन्होंने काफी ज्यादा रन भी बनाए, इनके पास कई सारे रिकॉर्ड्स भी पड़े हुए हैं। अगला आता है चंद्रबाबू नायडू के बारे में पूछा गया, किस पार्टी से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप सब लोग से पूछा गया। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन आप कह सकते थे ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में तेलुगु वगैरह ना दिया होगा, एक ही ऑप्शन अगर तेलुगु में दिया होगा तो आप वहां से आसानी से लगा सकते थे, तो तेलुगु देशम पार्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनका। पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछा गया, तो कहाँ पर हुए थे, तो जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे वहीं पे पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, ठीक है। तो दोनों के दोनों कहाँ हुए थे, रियो द जेनेरियो में हुए थे, ये कहाँ पे है, ब्राजील में है। तो आपको याद रखना है कि पैरा ओलंपिक पूछे या फिर ओलंपिक पूछे तो दोनों के दोनों आप क्या लगाओगे, रियो द ब्राजील, रियो द जेनेरियो में लगाओगे, जो कहाँ पे है, ब्राजील में है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, गुड़ किस चीज़ का मुख्य स्रोत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्या लगाओगे दोस्तों आप सभी कि गुड़ किसका मुख्य स्रोत है, गुड़ मुख्य स्रोत है आपके कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के बारे में पूछा गया, तो कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे बाद में फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आपको लर्न करना है, इनको आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में पूछे जाएंगे। बेहद ही अच्छे तरीके से आपको सभी के सभी क्वेश्चन पर पकड़ होनी चाहिए। अगले पर बात करेंगे हम लोग, अर्थ का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, जीवमंडल, यानी पृथ्वी के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात किया गया था, तो कौन सा है, जीवमंडल होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, जंगल बुक के बारे में पूछा गया आपसे, तो एक पुरानी किताब है ये, लेकिन फेमस किताब है, तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। तो चाहे नई किताब हो चाहे पुरानी किताब हो, क्वेश्चन मेन चीज है आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो जंगल बुक के बारे में पूछा गया, तो क्या है ये, इनके जो आप लेखक है वो है रुडयार्ड किपलिंग, काफ़ी फेमस बुक है। हिरोशिमा पर पूछा गया कि हमला कब हुआ था, तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हिरोशिमा का मामला उठाया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो आप ये जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 6 अगस्त 1945, किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था, आपको ये भी चीज़ें पता चल गई। साथ ही साथ इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिरा था, ये कहाँ पे पड़ता है, जापान में। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लगातार बम गिरा था, एक गिरा था 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पे था, फिर गिरा था 9 अगस्त को जो नागासाकी था। तो हो सकता है आपका जो आगे आने दिनों में पेपर है उस पर आपका आ जाए नागासाकी में बारे में आ जाए। राजधानी के बारे में पूछा गया, झारखंड की राजधानी, बेहद सिंपल क्वेश्चन था, सही आंसर क्या होगा, रांची हो जाएगा। कृषि नीति की शुरुआत कब हुई, किसी रणनीति की शुरुआत कब हुई भारत में, तो 1966 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको अगर मैथ में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अनअकैडमी पर आ जाइए, वहाँ पे आपको एकदम फ्री में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको सभी चीज़ें वहाँ पर बेहद ही आसान तरीके से मिल जाएंगी। वो मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया, पूरा मैथ का अर्थमेटिक लगभग लगभग हर एक चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया, लगभग उसको समझ लीजिए आप 20,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, 5 में से 4.9 रेटिंग है, तो आप उसको समझ सकते हो कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, जबकि उसको 100 से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग किया हुआ है। तो आप चीज़ें समझ सकते हो कि मैं आपसे हमेशा क्यों कहता हूँ। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो सुबह 6 बजे आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज उसकी नोटिफिकेशन नहीं गई थी इसलिए आज कम लोगों ने देखा, लेकिन जब नोटिफिकेशन जाएगी तो आप उसको देख पाओगे आराम से। सुबह 6 बजे आती है, नोटिफिकेशन नहीं भी आती तो भी आप रेडी रहा करिए कि उसकी वीडियोज़ को आप लोग देख लिया करिए।
कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पूछा गया तो कहा इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। नरसिम्हा प्रथम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आया था उपत्वचा के बारे में कि उपत्वचा किसे कहते हैं, तो जड़ को कहते हैं। अमेरिका में आया था कि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो क्वेश्चन आसान भी था अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने देखा होगा बराक ओबामा के हाल में ये चीज हुआ था कि वो दो बार प्रहा के राष्ट्रपति बन गए थे, इसीलिए वो तीसरी बार नहीं खड़े हो पाए थे और उनकी ही पार्टी से दूसरे लोग खड़े हुए थे, दूसरे लोग खड़े हुए शायद उन्हीं क्वालिटी के लिए। तो अमेरिका की एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, दो बार बन सकता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लैंडफिल में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो लैंडफिल यही कूड़ा कचरा वगैरह चीजें हैं, तो इससे मीथेन गैस उत्सर्जित होती है और मीथेन गैस जो आप लगाओगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नोबेल पुरस्कार कौन से देश में दिया जाता है, तो स्वीडन इसका सही आंसर हो जाएगा। C6H12 का आपसे नाम पूछा था, तो क्या होगा साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, किसका C6H12 का नाम साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता के बारे में पूछा गया, बेहद अच्छा क्वेश्चन था, शायद ही कुछ लोगों ने इसको लगाया होगा क्योंकि उन्होंने इस साल का पिछले साल के इस तरीकों को याद कर लिया होगा, लेकिन प्रथम विजेता के बारे में शायद ही किसी ने याद किया होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे वही पूछेगा जो कम लोग लगा पाओ क्योंकि उन्हें सिलेक्शन दिलाना है, तो देविका रानी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन है, धर्मपाल है, धर्मपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आपसे पूछा गया था कि जो डाटा बुक है वो किस चीज़ से संबंधित है, उसमें क्या चीज़ें रखी जाती हैं, क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, किस चीज़ों का संग्रहण उसमें किया जाता है, तो दुर्लभ जो भी प्रजातियां हैं, दुर्लभ जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, जो दुर्लभ प्राणी हैं उनके बारे में वो उसमें सारी सारी जानकारियाँ रखी जाती है, तो रेड डाटा बुक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नरेंद्र मोदी पे एक क्वेश्चन आया था, नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री, तो 15वें नंबर के हैं। 2018 का बजट किसने पेश किया, अरुण जेटली में, और कई सारे लोगों ने ये बताया कि सर ये पूछा गया था कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो दोनों ही क्वेश्चन आप क्या करोगे, लगभग सेम आपका है, तो दोनों क्वेश्चन का है। पांचवी आवर्त का सबसे भारी धातु कौन सा है, टिन है। कई सारे लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा के आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो आप टिन लगाओगे तो सही आंसर हो जाएगा। एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन आया था कि CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका आपसे पूछा था परमाणु भार, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लगाने का तरीका कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 6, तो परमाणु भार उसके दुगने से थोड़ा ज़्यादा होता है यानी हो जाएगा 12। ऑक्सीजन होता है परमाणु क्रमांक 8, ये हो जाएगा उसके दुगने से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 16, तो 12 और 16 आप दोनों ऐड कर दोगे तो 28 हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही है, परमाणु भार पूछा था किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकते हैं, आपसे किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं, अमोनिया का पूछ सकते हैं, तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। परमाणु भार याद करना इजी है, आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके देख लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में मिल जाए तो वही आप सही लगा दोगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2017 के बारे में पूछा गया, तो किसने जीता था, कर्नाटक ने जीता, और कर्नाटक का ये तीसरा टाइटल है, ठीक है, उन्होंने 3 बार जीता है, क्या चीज़, विजय हजारे ट्रॉफी, तो मैंने इसलिए आपको दे दिया कि हो सकता है ये आपके अगले सेट में क्वेश्चन पूछा जा सके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछा था भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 103वीं रैंकिंग है भारत की। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, तो इस समय कौन है, एन बीरेन सिंह, बिल्कुल सही आंसर आप लगाओगे मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री वगैरह को आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उससे लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको सारी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला आता है नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को, कब हुआ था नीति आयोग का गठन, 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए हाल ही में मेरे पास कोई रिपोर्ट आ रही है, मैंने अभी मोबाइल खोला था तो मुझे SSC के बारे में कुछ रिपोर्ट दिखेगी, सीजा का पेपर शायद ही कुछ और लेट हो जाएगा क्योंकि स्टेनोग्राफर के पेपर में कुछ लेट आ रहा है, तो उसकी मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि आप लोग उसको देख लीजिए, मैं भी पूरा डिटेल देखता हूं, पूरी PDF पढ़ता हूं, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मूर्ति देवी अवार्ड किसे मिला था, तो जय गोस्वामी को मिला था। एक क्वेश्चन आते हुए आया था कि जो कीबोर्ड है वो कैसा डिवाइस है, इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह ऑप्शन आपको दिए थे, तो सही आंसर आप कितना लगा सकते होगे, क्या कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, सही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, तो मनोहर पर्रिकर सही होगा। रीजन ये था कि मुख्यमंत्री जो मनोहर पर्रिकर वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो इनको बदलने की आदत थोड़ी, मतलब ये इनको चेंज करने की वो बातें चल रही थी, तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर पर्रिकर जी हैं। एडोबे के CEO के बारे में पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, तो कौन है, शांतनु नारायण जी हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टर पूछा था बरेली की बर्फी के, तो अश्विनी अय्यर तिवारी, कौन है, अश्विनी अय्यर तिवारी। अर्जेंटीना की मुद्रा आपसे पूछा था, तो अर्जेंटीना पेसो जो है वो अर्जेंटीना की मुद्रा है। टंगस्टन यानी कि W, ये आपसे कई बार पूछा गया कि W किसका मात्रक है, मतलब किससे डिनोट करते हैं हम लोग टंगस्टन को, तो W वहाँ पे आंसर आप लगाए थे। इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा था यानी कि गलनांक बिंदु पूछा था, तो क्या होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं उसमें जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन का ही लगा होता है, तो टंगस्टन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पावर का आपसे पूछा गया SI यूनिट, तो क्या होता है, वाट होता है। पोटेंशियल ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो पोटेंशियल ऊर्जा का मैंने आपको फार्मूला बताया P=mgh, साथ ही साथ मैंने आपको फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है यानी कि K=½mv² से, या फिर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है
या फिर आपके पास जो कोलाम से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने अभी उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने हाफ एम बी स्क्वायर पे और एम जी एच पे वीडियो बना दिया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देख लिया है। अभी मुझे कम ही टाइम हुआ अपलोड करे, आज ही या कल मैंने अपलोड किया उसको, आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसका मैं लिंक भी दे दूंगा और आप वहाँ से देख भी सकते हो उसको। सभी के सभी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछा गया तो कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा गया तो स्टिप्स है। स्टिप्स कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 3 हड्डियाँ होती हैं। MIS पहला क्या होता है, मलियस, दूसरा इनकस, तीसरा होता है स्टेप्स। 3 हड्डियां होती हैं कान में, जिसमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स होती है। तो स्टेप्स से क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप लगा लोगे। एक क्वेश्चन आता है कि शिखा टंडन जो है वो किस यहाँ पर किस गेम से संबंधित है, तो एक तैराक है, एक स्विमर है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो बेंगलोर से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया तो कौन लिखा है इसको, सलमान रुश्दी ने लिखा है। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कई सारी बुकों के बारे में, अनअकैडमी पे भी मैंने आपको पूरी की पूरी वहाँ पर डिटेल दी हुई है। एक क्वेश्चन आया था, सुधीर त्रिपाठी जो है वो किस राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये था, एक अलग क्वेश्चन था। सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूछा गया गांधी जी के ऊपर, एक क्वेश्चन लगभग मैं देखता हूँ कि हर एक सेट में आ जाता है। तो गांधी जी के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिए चंपारण में 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो चंद्रबाबू नायडू हैं। एक क्वेश्चन ये आया था अभी हाल ही में, आपको पता सुप्रीम कोर्ट के मुख्यमंत्री जो है वो रिटायर हो गए, तो नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं वो कौन है, रंजन गोगोई जी हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये आपको ये बता दें, हो सकता है कल शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए कि ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपको ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे लगा दोगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछा था तो हरियर और बुक्का आप लगाओगे, बिल्कुल सही आंसर है। सोडियम को किस चीज़ में रखा जाता है, ये आपसे पूछा था तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। रीजन क्या होता है कि जो मिट्टी का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए हम लोग सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, किसी अगर तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, तो वो कौन सा तत्व है, आपके पास ऑप्शन दिए थे, तो वो एल्युमिनियम तत्व होगा, ठीक है। 13 किसका होता है, एल्युमिनियम, हम इसको जोड़ लेंगे हमारे पास आ जाएगा। WBC की संख्या पूछी थी तो 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में, कितने होते हैं, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब 1 लीटर में। नीति आयोग के बारे में लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका आज पूछा गया था फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, किसका फुल फॉर्म है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीति आयोग पे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म। इंडिया की रैंकिंग पूछा था टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत सारे दिनों से बहुत टाइम से रह रही है पहले नंबर पर इंडिया की रैंकिंग। 100 रुपये के नोट पे क्या बना होता है, तो रानी की वाव बना होता है। ओलंपिक 2020 का मोटो पूछा गया था तो डिस्कवर टुमारो, ये क्या है, ओलंपिक 2020 का मोटो था। एक क्वेश्चन ये आया था, किस ग्रह का जो पृष्ठीय ताप है वो सर्वोच्च होता है, तो शुक्र ग्रह है, बिल्कुल सही आंसर आप लगाओगे। बखीरा पक्षी विहार के बारे में पूछा गया तो बस्ती शहर में जो गोरखपुर के पास ही में स्थित है। चिकित्सा के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2017 का अवार्ड किसे मिला, तो अमित दत्ता और दीपक गौड़ को मिला। मैंने मैथ के आपको बताया कि हमेशा मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन नीचे वीडियो दिए हैं लिंक, वहां से आप मैथ की सारी वीडियो देख लो। अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी की बायोलॉजी की वीडियो देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।